गंगाड़ गांव में हैं और राजेंद्र सिंह है ना इनका नाम जी, ये राजेंद्र भाई हैं यहाँ पे। और आप ये देखिए, ये मैंने बहुत पहले एक बार आपको बताया भी था कि अतीस एकुनतम हेट्रोफिलम, ये देखिए ये इसकी हाइट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना हेल्दी पौधा है। देखिए इसकी हाइट मेरे से भी ज़्यादा हाइट का है और ये एक इसको अति विषा भी बोलते हैं। इसका जो ट्यूबर होता है, मैंने बहुत पहले आपको बताया, ये एक ऐसी औषधि है जो पूरे शरीर में वाय पित्त और कफ तीनों त्रिदोषों को सही करता है। तो अगर आप मतलब इसका जैसे कहते हैं ना संजीवनी, इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं, जो ट्यूबर होगा इतना सा इसका ट्यूबर होता है इतना, मतलब आप अगर उस हिसाब से देखें, मोटा मोटा हिसाब से देखें, तो जो माचिस की तीली होती है, माचिस की तीली का जो आगे का भाग होता है छोटा सा, बस अगर आप उतना यूज़ कर लें तो उतना काफ़ी है आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और एक चीज़ इसमें क्या है कि जो इसका ट्यूबर होता है ना, अगर किसी को बॉडी में जहर फैल गया तो ये उस जहर को भी ख़त्म कर देता है। दूसरा, अगर किसी को बहुत ज़्यादा हाई फीवर है, उस हाई फीवर में आप वही माचिस की तीली के बराबर इसको पानी के साथ में घोट के, जो एक पथरी पत्थर के टाइप में घरों में होता है अधिकतर सभी के यहाँ होता है, उसमें घिस के थोड़ा सा उसको दो तीन बार चाट लीजिए, उतना काफ़ी है। तो ये एक बहुत ही हिमालय की दिव्य औषधियों में से एक है। और जहाँ तक बात आप वाइल्ड की करें तो वाइल्ड में अगर आप एक पौधा देखना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए इन्होंने इतना बढ़िया तरीके से इसको संरक्षण दिया हुआ है। आप ये देखिए कितना हेल्दी पौधा ये हो रखा है। आप मतलब कभी ऐसा हेल्दी पौधा, जो लोग भी इसको देख रहे होंगे, इतना हेल्दी पौधा तो आपने शायद ही कहीं देखा होगा और शायद ही कभी देखा होगा। ये देखिए मतलब इतनी मेरी हाइट से भी ऊपर, और इसके पत्ते देखिए कितना हेल्दी पत्ते हैं इसके, ये देखिए तो इसकी हेल्थ बताती है। अब ये देखिए इतनी मोटी इसकी डंठल, इसका जो तना है कितना हेल्दी देखिए आप, तो इसका ट्यूबर कितना बढ़िया होगा। तो ये मेरे ख्याल से इस खेत का सबसे हेल्दी पौधा है जो मैंने पकड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम इनकी तरफ से इसके संरक्षण के लिए। और अभी हम लोग इनकी नर्सरी देखने गए थे तो वहाँ पे करीब 1 लाख से ज़्यादा पौध हमको मिल रही है, जिसको हम इस पूरे गांव में किसानों को बांट रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस पूरे गांव को अतीस, कुटकी और कूट, तीन चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं, तो इसको हम यहाँ पे एक हर्बल विलेज बनाने की, जैसे कि हमने दारमा में बौन गांव को हर्बल विलेज बनाया, वैसे हम इस गंगाड़ या इसको धारकूट एक ही ग्राम से आए हैं, गंगाड़ पर की तरफ है, वहाँ भी ये लोग जाते रहते हैं, यहाँ भी आते रहते हैं, जाड़ों में जब बर्फ गिरती है वहाँ थोड़ा गर्म है तो वहाँ चले जाते हैं। तो ये हर्बल विलेज, तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरे ख्याल से इस तरीके का ये रेयर आपको वीडियो मिलेगा, ऐसा वीडियो आपने कि पौधे के साथ में और बिल्कुल उसके प्राकृतिक वातावरण में जा करके, और वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि ऐसे आपको शायद बहुत रेयर ऐसा आपको कहीं दिखेगा भी नहीं, इस तरीके का आपको इतनी मात्रा में खेत में कहीं अतीस नहीं दिख सकता है। और ये बहुत बड़ा प्रयास है कि आपके खेत में इसका संरक्षण इस तरीके से किया जा रहा है, और ये पहुँच भी गए हैं। आप कहाँ चले गए थे? उधर गए थे पब्लिक को देखने, पब्लिक इतनी दिखता है। हैं? हाँ। इधर आ जा, इधर आ जा। नहीं, मीटिंग में गए हैं उधर। हाँ, मीटिंग गांव में। मैंने इन्फॉर्मेशन तो भिजवा दी। हाँ। कि 3 बजे बोले सर। इस अतीस के मालिक ये है, ये इनका प्रयास है, और मेरे ख्याल से अगर इस रेयर प्रजाति का इन्होंने इतने अच्छे ढंग से संरक्षण किया है तो निश्चित रूप से कम मैं तो अपनी तरफ से आपको बहुत बड़ा बधाई का पात्र मानता हूँ। और मैं ये चाहूंगा आपके माध्यम से तो वही सब चीज, वो तो ठीक बात है, लेकिन प्रयास तो आपका है, बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से इतना हेल्दी पौधा मैंने अतीस का आज तक नहीं देखा। आपने देखा इससे पहले? देखिए कितना गजब का, और हाइट देखिए, पत्ता देखिए इसका, तो इसको खोदेंगे तो इसका ट्यूबर देखिएगा कितना बढ़िया होता है। जब आप इसको निकालेंगे ना, इसका ट्यूबर अलग रखिएगा, ठीक है? वो ट्यूबर का पैसा मैं दूंगा आपको, बिल्कुल, ठीक है? इस पौधे का ट्यूबर, और एक ट्यूबर सहित इसका फोटो भी खींचना जी, है ना? चलिए, धन्यवाद।